वहीं प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन मतदान के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के काली पीपल विधायक कुणाल चौधरी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके इलाज के लिए कुणाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कोरोना के लक्षण पाए जाने के लिए 10 जून को कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। वहीं अब कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं, ये संशय बना हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त बंसल न्यूज है शरद द्विवेदी जी, फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, अब कुणाल चौधरी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। देखिए, ये तो कोरोना का समय है और कोरोना से वो लोग ज्यादा जोखिम के दायरे में हैं जो मिलते जुलते बहुत अधिक हैं। और एक राजनेता के लिए ये बहुत कठिन होता है कि वो इस समय, जबकि 24 सीटों के उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, तो कुणाल चौधरी भी एक ऐसे ही युवा नेता हैं जो बहुत सक्रियता से मिलना जुलना और बातचीत लोगों से करते रहे हैं, और यही बड़ा कारण होगा। और जहां तक बात है कि 19 जून को राज्यसभा चुनाव है, तो 13 जून है आज और करीब करीब 7 दिन हम मान लें या 6 दिन मान लें, वो 10 जून को उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो अब अच्छी राहत भरी बात यह है कि 7 दिन में कोरोना के पेशेंट्स, अगर उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक रहती है, तो 6 से 7 दिन में 2 टेस्ट करने के बाद, पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट, और दोनों निगेटिव होते हैं तो फिर डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। और दूसरी स्थिति यह है कि राज्यसभा का चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जहां वोटिंग तो करना ही होगा जी। तो उसके लिए जो तमाम एहतियात हैं, वो एहतियात स्पेशली क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग तय करता है, क्या वो प्रतिमान तय होते हैं जिनके चलते क्या कुणाल चौधरी को कुछ ऑनलाइन वोटिंग की परमिशन मिल सकती है, या वो पीपीई किट के साथ वहां जाकर किसी विशेष कक्ष में, जिसको सैनिटाइज करके अलग से तैयार किया गया हो, जिस तरह से हमने दक्षिण कोरिया के चुनाव में देखा कि वहां पर उन मतदाताओं के लिए भी मतदान की व्यवस्था थी जो कोरोना पॉजिटिव थे जी। तो किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर 6-7 दिनों के भीतर वो उनकी दोनों रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तो निश्चित तौर पर वो एलिजिबल होंगे और वोट डालेंगे। चलिए बिल्कुल शरद जी, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या प्रोसीजर यहाँ पे अपनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंसल न्यूज है शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पे जुड़े थे, उनका ये कहना कि 6 से 7 दिनों के अंदर अगर वो ठीक हो जाते हैं, उनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो फिर वोटिंग क्योंकि होनी है, अब वो किस प्रकार से ये व्यवस्था की जाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ये भी प्रोसीजर हो सकता है कि ऑनलाइन अगर वो वोट कर पाएं, हालांकि अब निर्वाचन आयोग इस पे कैसे संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात।